महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भरोसे पे मैं दो एपिसोड बनाऊंगा, और ये मैं आपसे अब की बार जो शेयर करने वाला हूँ वो मेरे गुरु महाराज की सच्ची घटना है। सबसे पहले तो जो मेरे इस परिवार के सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और उन सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें जितना भी आप कर सकते हैं भाई। अब बात करेंगे भरोसे की। हमारे गुरु महाराज और उनके गुरु महाराज, जब गुरु महाराज छोटे थे तो अपने गुरु महाराज के साथ में पहाड़ों में घूमने गए, उनको घुमाने ले गए हर्ष के पहाड़ जो हैं। तो पहले तो वहाँ जाने के रास्ते नहीं हुआ करते थे, बड़ी पुरानी बात है। वो गए वहाँ पे, एक मंदिर बना हुआ था, वहाँ पुजारी था, वहाँ ठहर गए। ठहर गए तो अच्छी बात है भाई। पुजारी ने कहा कि मैं सेवा कर दूंगा, आप सामान वामान ले आना, मैं बना दूंगा खाना सबका। 8-10 लोग थे। अब वो सामान वामान ले आए, वो सामान 2 दिन में ख़त्म हो गया। तीसरे दिन सुबह जो है इन्होंने पूछा, पुजारी ने सुबह नहीं पूछा, सुबह का खाना वाना खा के शाम को पूछा कि आज रुकोगे क्या। बोला हाँ रुकेंगे ना। तो बोलो सामान तो है ही नहीं, खाना क्या खाएंगे। गुरु महाराज ने कहा कि यार ये बात तो तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, अब शाम को कौन नीचे उतरेगा, इतना कहाँ से नीचे जाके लेके आएगा, वापस कैसे चढ़ेगा, कब बनेगा, क्या होगा। तो रात होने को आई है। बोलो मुझे नहीं पता, खाना तो है नहीं था, राशन नहीं है, खाना नहीं बनेगा। गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज से बात की कि ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई आज अजमा के देख ले तेरे भरोसे को, जिसने सुबह दिया है वो शाम को भी देता ही है। भाई मैं तो बोलता ही हूँ, तू भी लोगों को बोलता है कि हाँ भी देता है, तो अजमा के देख ले कि देता है कि नहीं देता, आज पता चल जाएगा। अब मन में तो वो होता है ना, बालक मन जो होता है बड़ा सशंकित होता है, क्या पता होगा कि नहीं होगा। अब भूख से भी कुल बुलाए आदमी को, राह ना जाएगी राह। अच्छा होता क्या है, जब आपको पता है कि शाम को राशन नहीं, तो अभी भूख नहीं लगी है तो भी लग जाती है, अभी से आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो वो एक जगह बैठे थे, वहाँ पे ऊपर पुलिस का एक चौकी थी, पहले क्या वायरलेस के लिए वहाँ से पूरे एरिया को कवर करते थे, ऊंचाई पे था ना, तो वहाँ से सारे मैसेज वैसेज देते थे। तो पुलिस वाले भी पहले एक दो बार आए थे, तो उनसे गुरु महाराज की बात हुई, तो थोड़ी उनसे जान पहचान है और संबंध टाइप हो गया, 2-3 दिन से थे वहाँ। तो वो पुलिस का वहाँ का जो इंचार्ज है वो आया, और उसने कहा कि बोले महाराज जी आज भोजन हम भी आप लोगों के साथ ही करेंगे। तो गुरु महाराज ऐसे बोले, एक तो हमारे लिए ही नहीं है, ऊपर से मेहमान और आ गए। तो बोले राशन वाशन तो मैं ले आया हूँ, आप बनाएंगे तो हमारे लिए भी बना लेना, दो रोटी हम भी आपके साथ प्रसाद छक लेंगे। ये होती है भरोसे की ताकत। आपको ईश्वर पे भरोसा है तो ईश्वर ने उसको भेज दिया, आराम से सबका भोजन बना, खीर वीर अलग से बनी, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें बनी, और खा के तृप्ति हुई। अगर आपको ईश्वर पे भरोसा है तो उसने भेज दिया ना उसको, जो सुबह देता है वो शाम को क्यों नहीं देगा। बट हम भरोसा कर ही नहीं पाते हैं भाई, हम संग्रह क्यों करते हैं, क्योंकि हमें भरोसा नहीं कल मिला कि नहीं मिला, कल पता नहीं कैसे हालात हो गए, हमारे पास पैसे रहे नहीं तो क्या करेंगे। ये सब मैं भी ऐसा ही था,
लेकिन जब ईश्वर पे भरोसा हो गया तो शंका की गुंजाइश नहीं रही। मैं तो एक रुपया भी कोई संग्रहित नहीं करता और न कमाने की सोचता हूँ ज़्यादा। मैं तो उतना ही सोचता हूँ मतलब जितना मेरे महीने का खर्चा है, और वो भी मैं नहीं सोचता, वो अपने आप ही भेज देता है। आप बोल रहे हो, मैं अगले पल की भी नहीं सोचता कि क्या होगा। तो मुझसे जुड़े हुए लोग कहते हैं, महाराज जी कुछ थोड़ा बहुत बैंक में रख लिया करो, कुछ पास में ही रख लिया करो, जो कभी ऐसी स्थितियां आ जाएं तो आपके काम तो आए। मैं करना भाई, जिस दिन मेरा भरोसा उससे उठ गया वो मेरा काम करना बंद कर देगा, और उस पर भरोसा है तो मुझे संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही प्रसंग मैंने गीता के ऊपर भी आपको सुनाया था, एक पंडित का, वो भी सच्चा किस्सा था। अगर आपको ईश्वर पे भरोसा है तो वो आपके साथ हर वक्त खड़ा रहता है, पर खड़ा उन्हीं के साथ रहता है जिनको भरोसा है, जिन्होंने अपने आप को उस पे समर्पित कर दिया है। तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है ना भाई, कोई आदमी पूर्ण समर्पण के भाव से आपके घर पे आएगा कि ठीक है यार महाराज जी के घर चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वो आ गया मेरे घर पे, मेरे से प्रेम भाव रखता है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है उसके भोजन की, प्रबंध की, रहने की, क्योंकि वो मेरे पास आया, मुझ पे समर्पण करके, मुझ पे भरोसा करके आया है। हमारे वहाँ हिमालय में चाइना बॉर्डर पे लोग पहुँच जाते हैं, खैर वो तो लोग भूले भटके ही पहुँचते हैं, वहाँ तो चिड़ी कौवा भी नहीं आता जहाँ मैं हूँ, बट जो आता है वो महादेव की तलाश में वहाँ तक आ जाता है, उसको महादेव पे भरोसा होता है, तो वो हमारे आश्रम में आ जाते हैं। अब आश्रम बोले तो मैं अकेला वहाँ, बट जब अगर 10 लोग भी आ जाए तो ईश्वर वैसा प्रबंध कर देता है। और मैंने एक बार नहीं हजारों बार देखा है अपने जीवन में, हर पल पे हर क्षण पे मैंने उसे खड़ा देखा है, क्योंकि मुझे उस पे भरोसा है। हाँ, खड़ा वो तभी हुआ जब मेरा भरोसा उस पे हुआ, मैंने उसको समर्पण किया। ऐसे ना आता, इतना सस्ता थोड़ी है भगवान। आप करके देखिए, आप कर नहीं पाते हैं, आप करके देखिए। मैं तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, मेरा तो ये व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए मैं कह सकता हूँ। आप अनुभवित करेंगे अगर आप करके देखेंगे, पर चलता ही कोई नहीं डर के मारे, भगवान नहीं आया तो बस यहीं पे ख़त्म है मामला। कई तो कह देते भगवान है कहाँ यार, मेरे साथ इतनी पीड़ा हो रही है। आपने भगवान पे भरोसा कब किया भाई? भरोसा कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए, और 10-15 लोगों को शेयर कीजिए भाई। हर आदमी महादेव।